देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राजधानी दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ऑडिटोरियम में बुधवार को ऐसी ही प्रतिभा को देखने का मौका मिला। यहां तनिष्क कर्माकर की सोलो कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें तनिष्क की खूबसूरत कला को बखूबी दर्शाया गया। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, पर एक्चुअली मेरा एक एम था कि आर्ट को एक थोड़ा अलग डेफिनेशन देने का। जैसे कि आर्ट, लोग सोचते कि आर्ट ऐसे अपने आप ही है, एक अलग चीज़ है, ऐसे कोई अलग ही काम है, पर मैं सोचता हूँ कि आर्ट एक हमारे आगे दुनिया में आगे बढ़ने का एक जरिया है। अगर जैसे किसी को किसी विज्ञान से आगे बढ़ना है, तो वो विज्ञान से आगे बढ़ने की जो इच्छा है वही ड्राइंग बनाती है, वो उसको इंस्पायर करती है। ऐसे ये हमारे एवोल्यूशन के लिए है, ये ऐसे ही नहीं है। तो मैं ज़िंदगी में कुछ चीज़ें किसी करीब से देखता हूँ, तो कभी बार सोचता हूँ ये बार बाएँ, तो उनको थोड़ा अपने कैनवस में के जरिए से बताना चाहता हूँ। कला प्रदर्शनी में तनिष्क कर्माकर को प्रोत्साहित करने पहुंचे श्री एल आर विश्वनाथ ने तनिष्क की चित्रकला को न केवल सराहा बल्कि हौसला अफजाई भी की। तनिष्क कर्माकर इज अ वेरी अपकमिंग यंग आर्टिस्ट। ही इज डन लॉट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ही शुड बी अराउंड 16 इयर्स ऑफ एज नाउ एंड आई हैव बीन वॉचिंग हिम फॉर द लास्ट 7-8 इयर्स। ही हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन द exhibition and painting competition, on the spot painting competition, along with lots of other children, and he has been bagging successfully many prizes, and this is his maiden exhibition, which is his debut. I am told the theme of the exhibition is human relationship. One can see a big range of canvas which has come out of his pen, from his brush, and the artist expresses a very deep feeling of human emotions. And I think in today's world of fast and competitive environment, paintings of young artists like Tanishq Karmakar can go a long way to bring in harmony, love and peace. गौरतलब है कि यह कला प्रदर्शनी 30 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगी। यदि आप भी चित्रकला प्रदर्शनी के शौकीन हैं, तो आप भी यहां आकर तनिष्क कर्माकर की पेंटिंग का लुफ्त उठा सकते हैं।